हेलो गाइस, वेलकम बैक डॉक्टर अब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बात करेंगे खांसी के लिए जो लोजेंजेस आते हैं, यानी आपने टैबलेट के बारे में सुना होगा, सिरप के बारे में सुना होगा। टैबलेट जो ओरली ली जाती है, यानी पानी के साथ में ली जाती है, और सिरप भी ओरली लिया जाता है, बाकी इंजेक्शन वगैरह भी खांसी के लगाए जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस टैबलेट के बारे में बता रहा हूँ वो पानी के साथ में नहीं खाई जाती है। उस टैबलेट को सीधे मुँह में रखा जाता है और मुँह में खुद ही डिजोल्व होके और वो अपना एक्शन शो करती है, खांसी जो होती है उसको ठीक कर देती है। तो इसके बारे में आज डिटेल में बात करेंगे गाइस। वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। चले गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। मैं हूं डॉक्टर सुलेमान और आप देख रहे हैं डॉक्टर अब्बानी यूट्यूब चैनल। आज जो हम बात कर रहे हैं एलेक्स लोजेंसिस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जिंजर फ्लेवर में होता है। जो कंपनी बनाती है वो ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। अगर इसके अंदर कंपोजिशन की बात करें, इसके अंदर क्या पड़ा होता है, इसके अंदर डेक्सट्रोमीथरफेन होता है 5 mg में। डेक्सट्रोमीथरफेन जो होता है कि खांसी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यानी अगर किसी को सूखे धसके वगैरह लगते हैं, बार बार खांसी आती रहती है, धसके आते रहते हैं, उसमें बलगम नहीं होता है, उसमें इस टेबलेट को दिया जाता है। अगर इसके मकल में एक्शन की बात करिए कैसे काम करता है, तो जैसे कि इसको हम मुंह में रखेंगे तो डिजोल्व होने के बाद में ये हमारे ब्रेन में मेडुला ऑब्लिगेटा में कफ सेंटर होता है, यानी जिसकी वजह से खांसी आती है, तो उसको सप्रेस कर देता है, यानी उसको सुला देता है, जिसकी वजह से खांसी नहीं आती है। अगर इसके साइड इफेक्ट की बात करें तो इससे चक्कर वगैरह आ सकते हैं, स्लीपिनेस, नींद वगैरह भी आ सकती है, और उल्टी ऐसा मन भी हो सकता है। अब गाइस बात करते हैं इसके डोजेस की, मतलब कैसे इसको लिया जाता है। जैसे अगर ज़्यादा धसके लग रहे होते हैं, ज़्यादा फंदे आ रहे होते हैं, तो गले में क्या होता है, हमारे गले में जो एलर्जी वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से बार बार धसके आते हैं, सूखे फंदे लगते हैं, उसको सूखी खांसी भी बोलते हैं। तो उसमें इस टैबलेट को मुँह में रखा जाता है और मुँह में रखने के बाद में धीरे धीरे डिजोल्व होकर बॉडी में पहुँच जाती है और अपना एक्शन शो करती है, यानी जो धसके लग रहे होते हैं, सूखी खांसी आ रही होती है, उसको ख़त्म कर देता है। तो इसको लेने का तरीका ये होता है, लेकिन ये स्लो स्लो थोड़ा काम करता है, यानी स्लो स्लो ये एब्जॉर्ब होता है और फिर अपना एक्शन शो कर देता है, जो भी आपके गले में एलर्जी वगैरह हो रही होगी उसको ख़त्म कर देगा। तो ये गाइस मैंने बताया आपको एलेक्स लोजेंसिस के बारे में। होप सो गाइस आपको पूरा समझ में आ गया, समझ में आ गया प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।